हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं लर्न विद संजीव सिन्हा चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और इंग्लिश सीख रहे होंगे मेरे साथ साथ। अब देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। हमने टेंस कर रहे थे, टेंस में हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस कर लिया। अब हमने पास्ट टेंस की बात कर रहे थे कल वाले वीडियो में। अब देखिए अपने पास्ट टेंस में हम पास्ट सिंपल टेंस के सभी रूल्स के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आज देखिए थोड़ा एग्जांपल्स में आगे बढ़ते हैं। अपने क्या कर रहे थे, पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे थे। इसमें हम सभी के रूल्स लिख चुके थे। जैसे पहले मैंने लिया था अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, फिर मैंने लिया था नेगेटिव का, फिर हम बात कर रहे थे इंटरोगेटिव की, उसके बाद हमने बात की थी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जिन स्टूडेंट्स की आज फर्स्ट क्लास है वो हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पास्ट टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में और पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम उसके एग्जांपल्स और उसको थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अपने इसके रूल्स के बारे में बात कर चुके थे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या लिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या लिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में क्या, ऑब्जेक्ट। फिर हमने नेगेटिव में क्या किया था, सब्जेक्ट लिया था प्लस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किसका यूज कर रहे थे, हम ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे थे, देखिए सब्जेक्ट सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम किसका यूज कर रहे थे, डिड का। प्लस में क्या आ जाएगा, अपना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने आपको ये भी बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से हो सकता है, या तो WH वर्ब से स्टार्ट हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब से। अगर WH वर्ब से स्टार्ट करना है तो रटना नहीं है, इससे पहले WH वर्ब लगा दो। इससे पहले क्या करेंगे, अपने WH वर्ब लगा देंगे, रूल अपना क्या रहेगा, यही सेम रहेगा। फिर यहां बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, देखो सेम रूल रहेगा। इसमें क्या करेंगे, अपने डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का, प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर देखिए, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे थे जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कर चुके। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने मान लो एग्जांपल लिया, रवीना ने एक गाना गाया था, या मैं इसको ऐसे बोलूं, रवीना ने एक गाना गाया, रवीना ने एक गाना गाया, ठीक है, या मैं इसको ऐसे बोलूं रवीना ने एक गाना गाया था या रवीना ने एक गाना गाया, दोनों का मतलब एक एक वो काम क्या पूरा समाप्त हो चुका है। पास्ट सिंपल टेंस ये कहता है जो भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है, वो कार्य हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपने लेते हैं, रवीना ने एक गाना नहीं गाया था। मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूं, रवीना ने एक गाना नहीं गाया था। फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोलूं, क्या रवीना ने एक गाना गाया था। देखिए समझिए आराम से, पहला स्टेटमेंट क्या है, रवीना ने एक गाना गाया था। फिर देखिए, रवीना ने एक गाना नहीं गाया था। फिर क्या रवीना ने एक गाना गाया था। फिर मैं लिखता हूं, रवीना ने एक गाना क्यों गाया था, रवीना ने एक गाना क्यों गाया था। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पांच नंबर पे अपन लिखते हैं, क्या रवीना ने एक गाना क्यों नहीं गाया था। मैं ऐसे लिख दूं, रवीना ने एक गाना क्यों नहीं गाया था। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ध्यान रखना, एक एग्जांपल लिया करो, फिर उसको पांच तरह से लिखा करो, फिर सबको स्टेप बाय स्टेप बनाया करो, आपके रूल्स के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बार बार आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। पांच एग्जांपल्स
अपने 25 क्वेश्चंस का काम कर देते हैं। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, उसको अलग अलग लिखा, फिर मैं इसके सामने आपके सामने बनाता हूँ, देखते हैं कैसे बना रहे हैं। रवीना ने एक गाना गाया था, मतलब किसका एग्जाम्पल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में किसका नेम आ रहा है, रवीना का लिखा मैंने। रवीना ने क्या किया था, गाना गाया था, ठीक है, गाना गाना, सिंग, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सैंग। हमें क्या चाहिए, सिंग की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो क्या आ जाएगा, सैंग, फिर क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग। तो क्या आंसर बना, रवीना सैंग ए सॉन्ग, मतलब रवीना ने एक गाना गाया था। अब देखिए, कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकंड फॉर्म होती है, लिखना, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकंड फॉर्म, और सैंग क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए नेक्स्ट, रवीना ने एक गाना नहीं गाया था, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे, रवीना, अब किसकी बात कर रहा है, नहीं की, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे समझे आप, नहीं को देख के हमें पता चला, लास्ट में था वर्ड भी है, या था, ये थी, ये थे, किसको बताते हैं, पास्ट सिंपल टेंस को बताते हैं। हमें पता चल रहा है नहीं, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, सबसे पहले रवीना आ जाएगा, फिर क्या लगा देंगे, डिड नॉट। अब याद रखना, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, सिंग। तो मैंने क्या लिख दिया, सिंग। अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या बना, रवीना डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसी को देखो, क्या रवीना ने एक गाना गाया था, अब क्या पहले आ रहा है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, पहले आएगी हेल्पिंग, हमारे पास क्या है, डिड, तो यहाँ क्या लगा देंगे, डिड। अगर ये पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट प्रेजेंट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो अपने किससे स्टार्ट करते हैं, डू या डज में से कोई एक लेते। अब ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ डिड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, डिड, फिर प्लस में क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, रवीना, ठीक है, क्या आ जाएगा, डिड रवीना। अब वही बात, यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंग, फिर क्या लगा देंगे, ए सॉन्ग, फिर क्या लगा देंगे अपने, पहले लगाना है, बाकी रूल यही काम आएगा, कि मैं ऐसे लिख दूं इसको, और में डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, प्लस में अपना क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। रूल अपना वही है सेम, हमने क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लगाना होता है तो वाई का वाई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, डिड, फिर क्या चाहिए, रवीना, देखो सेम बन सकता है, तो वाई डिड रवीना सिंग ए सॉन्ग, फिर क्या लगा देंगे अपने, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेक्स्ट, रवीना ने एक गाना क्यों नहीं गाया था, देखो ये वाला आ गया आपकी बार, रवीना ने एक गाना क्यों नहीं गाया था, नोट यहाँ पे आ रहा है, देखो इस बार क्यों बीच में आ रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करेंगे अपने, तो क्या आ जाएगा, वाई, देखो इसी स्टेटमेंट को उन्होंने डब्ल्यू एच वर्ड बना के दे दिया, अगर क्या यहाँ पे होता तो अपने इससे स्टार्ट करते, लेकिन इस बार इन्होंने क्यों बीच में दिया और नेगेटिव दे दिया साथ में, क्यों भी है और अपने पास नेगेटिव भी है, तो अपना रूल क्या बना, वाई प्लस में वही रूल सेम, डिड सब्जेक्ट प्लस में क्या आ जाएगा, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्या लगा देंगे अपने, क्वेश्चन मार्क। देखो इसको करते हैं, सबसे पहले वाई आ गया, फिर क्या आ जाएगा, डिड, वाई डिड, फिर आ जाएगा रवीना, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, नोट, वाई डिड रवीना नोट, फिर क्या आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग, फिर क्या लगा देंगे अपने, क्वेश्चन मार्क। देखो एक ही सेंटेंस को मैंने अलग अलग तरह से लिखा, फिर उनके रूल्स लगाए और अपने क्या धीरे धीरे आंसर्स बनते गए। अब देखिए अपने बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो आप में सेंड करना। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दो, फर्स्ट लिखा मैंने, मैं फुटबॉल खेला था, इसको आपको क्या करना है, पांच टाइप से लिखना है, इस तरह से, इसका आपका इतना सा काम है, पांच टाइप से इसको लिखोगे, ठीक है, वन बाय वन, फिर इसका सॉल्यूशन करोगे, जो इसके आंसर आएंगे आप हमें कमेंट में सेंड करोगे। नेक्स्ट अपने एग्जांपल लेते हैं, वह कल जयपुर गया था, अपने पास क्या है, दो एग्जांपल्स है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं फुटबॉल खेला था, सेकंड वह कल जयपुर गया था, इसके क्या 10 एग्जांपल्स बनेंगे, आप इनको करना, जो भी आंसर्स हो आप कमेंट में करना। नेक्स्ट क्लास में अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलते हैं, थैंक यू।